हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं अमृतसर और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप यहां कैसे आ सकते हैं, क्या टूर प्लान होगा और क्या बजट होगा। इसलिए पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ कैसे आएँ। अमृतसर आने के लिए आपके पास तीन विकल्प हैं। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो अलग अलग राज्यों से अमृतसर के लिए डायरेक्ट ट्रेनें चलती हैं, तो आप ट्रेन से भी यहाँ आ सकते हैं। दूसरे ऑप्शंस की बात करूँ तो दूसरा ऑप्शन है बस। बस भी हमारे अलग अलग शहरों से डायरेक्ट अमृतसर के लिए चलती हैं। अगर आपके शहर से नहीं चलती तो आप दिल्ली आकर भी अमृतसर के लिए डायरेक्ट बस पकड़ सकते हैं। और तीसरे ऑप्शन की मैं बात करूँ तो वो है फ़्लाइट। अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो आप जिस भी शहर से आते हैं अमृतसर तक बहुत सारी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चलती हैं, तो आप फ़्लाइट से भी यहाँ आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेन से आते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर आइए। बाहर ही आपको गोल्डन टेम्पल की फ्री बस सर्विस मिलेगी जो आपको गोल्डन टेम्पल परिसर के बाहर तक छोड़ देगी। अदरवाइज़ आप ऑटो करके भी गोल्डन टेम्पल आ सकते हैं, जिसका किराया मात्र 30 रुपये पर पर्सन होता है। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर रखा गया है जिसका निर्माण श्री गुरु रामदास जी ने स्वयं अपने हाथों से किया था। यह गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच में स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना है, इसीलिए इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं अमृतसर में रहने की। तो गोल्डन टेम्पल के आसपास ही बहुत से होटल्स हैं जहां आपको 800 से 2000 तक में अच्छे खासे रूम्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं खाने पीने की व्यवस्था की। दोस्तों, गुरुद्वारे में यहाँ लंगर चलते हैं जहाँ आपको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर तीनों चीज़ें मिलती हैं। तो आप लंगर हॉल में जाकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं और आप रात का डिनर भी कर सकते हैं। श्री हरमिंदर साहिब सिखों का सबसे पावन धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। यह भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है पूरा अमृतसर शहर, जो कि स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है।